नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार काजला, अध्यक्ष एम्स नर्सेज यूनियन नई दिल्ली। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जितने भी एम्स हैं उनके गवर्निंग बॉडी सीआईबी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉडी ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंटी पीपल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने वाला एक रेजोल्यूशन पास किया है, वो एक प्रस्ताव लेके आए हैं। साथियों, एम्स नर्सेज यूनियन इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करती है और इसे सिरे से खारिज करती है। साथियों, एम्स नर्सेज यूनियन ने इसी विरोध के मद्देनजर एक नेशनल मूवमेंट का आह्वान किया है और इस मूवमेंट के तहत एम्स नर्सेज यूनियन ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर आधिकारिक रूप से इसका विरोध जता दिया है। और एम्स नर्सेज यूनियन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री हर्षवर्धन जी से निवेदन करती है कि सीआईबी की मीटिंग के दौरान इस लिए गए फैसले को वो डिलीट करवाएं और इसी फैसले के अनुपालना में एम्स नागपुर और पटना ने जो अभी अपनी वैकेंसी निकाली है उसमें उचित अपनी कार्रवाई के द्वारा उनके नियमों में संशोधन करवाएं। साथियों, हम इस मांग को लेकर सीआईबी के इस रिजोल्यूशन के विड्रॉल की मांग को लेकर मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसे विड्रॉ करवा के रहेंगे। और साथियों, अगर हमारी इस मांग पर गौर नहीं किया गया तो एम्स नर्सेज यूनियन आंदोलन का एजिटेशन का एक कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। और साथियों, इसी मूवमेंट के मद्देनज़र मैं एम्स नर्सेज यूनियन की ओर से आप सभी लोगों से जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो नर्सिंग के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं पूरे देश की हर राज्यों की, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जो सभी एम्स की जो गवर्निंग बॉडी सीआईबी ने जो रिजोल्यूशन पास किया है हमें उसे रुकवाना है, उसे विड्रॉ करवाना है, हमें मिलकर लड़ना है और योजनाबद्ध तरीके से लड़ना है। साथियों, हम आंदोलन भी करेंगे और हम अपनी योजना के तहत हमें कब आंदोलन करना है, कैसे एजिटेशन करना है, कब हमें भारतीय न्यायिक व्यवस्थाओं से अपील करनी है, ये सभी हमें योजनाबद्ध तरीके से करनी है और हमें सबको मिलकर लड़ना है। और बहुत से भी मुद्दे हैं जिन पे भी हमें सबको मिलकर लड़ना है। और अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हम शायद कहीं ना कहीं कमजोर दिखेंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि एम्स नर्सेज यूनियन के इस नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बने, एम्स नर्सेज यूनियन का साथ दें और ताकत दें। तो साथियों, और ये मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे संघर्ष की जीत होगी और हम जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।